एक तरफ लगी जीत की हैट्रिक तो दूसरी तरफ लगा हार का छक्का। आईपीएल प्लेऑफ से बाहर होने की कगार पे पहुंची चैंपियन सीएसके जैसी टीमों को पछाड़कर टॉप पर पहुंची गुजरात टाइटंस। कल दो महामुकाबले खेले गए, पहला गुजरात और बंगाल के बीच खेला गया। इस मैच में गुजराती शेरों ने बाजी मार ली और इसी के साथ ही गुजरात पॉइंट टेबल पर टॉप पर पहुंच गई। दूसरा मुकाबला दिल्ली के दबंग और हैदराबादी निजामों के बीच खेला गया। इस मैच में हैदराबाद को 9 रनों से जीत मिली। दिल्ली के लिए बल्ले और बैट से ताबड़तोड़ प्रदर्शन करने वाले मिचेल मार्श को मैन ऑफ द मैच चुना गया। पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 179 रन बनाए। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस ने 17.5 ओवर में ही 3 विकेट खोकर यह स्कोर अपने नाम कर लिया। कोलकाता के लिए गुरबाज ने 81 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन गुजरात के लिए विजय शंकर के नाबाद 51 और शुभमन गिल की 49 रनों की पारी टीम को जीत दिला दी। इस जीत के साथ ही गुजरात पॉइंट टेबल पर टॉप पर पहुंच गई है। गुजरात के पास 8 मैच के बाद 12 अंक हो गए हैं। गुजरात के लिए गेंद से शमी ने 3 विकेट लिए, नूर अहमद और जोशुआ लिटिल को 2-2 विकेट मिले। वहीं कोलकाता के लिए हर्षित राणा, आंद्रे रसेल और सुनील नरेन ने 1-1 विकेट लिए। दूसरा मैच सनराइजर हैदराबाद ने दिल्ली को उसके घर में घुसकर छठी हार को मजबूर कर दिया। आईपीएल का 40वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जहां एडम मार्कम की टीम डेविड वार्नर की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स टीम पर भारी पड़ी। 198 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम 6 विकेट पर 188 रन ही बना सकी। दिल्ली को 9 रनों से हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा सीजन में 8 मैचों में हैदराबाद की ये तीसरी जीत है। दिल्ली की ओर से मिचेल मार्श ने ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 ओवर गेंदबाजी की और विकेट 4 निकाले। इसके साथ ही बैटिंग में उन्होंने 39 गेंदों पर 63 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसने कप्तान डेविड वार्नर का विकेट पहली गेंद पर गंवा दिया। वार्नर को भुवनेश्वर कुमार ने 0 के निजी स्कोर पर बोल्ड किया। फिल सॉल्ट और मिचेल मार्श ने दूसरे विकेट के लिए 112 रनों की साझेदारी की। सॉल्ट ने 35 गेंदों पर 59 रन बनाए। वही मिचेल मार्श ने 39 गेंदों में 63 रन बनाए। सरफराज खान 9 रन, मनीष पांडे 1 रन बनाकर आउट हुए। हैदराबाद की ओर से मयंक मारकंडे ने 2 विकेट लिए, जबकि भुवी अकील, नटराजन और अभिषेक वर्मा को 1-1 विकेट मिले। दिल्ली ने पिछले मैच में हैदराबाद को उसके घर में जाकर हराया था। ऐसे में हैदराबाद ने दिल्ली से पुरानी हार का बदला ले लिया है। दोनों के बीच आईपीएल का ओवरऑल ये 23वां मैच था। हैदराबाद ने 12 और दिल्ली ने 11 मैच जीते हैं अब तक। वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।